What's up guys, welcome back to another vlog। आज है सोमवार का दिन। एज यूजुअल दिल्ली में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। मैं ट्रैफिक में फंसा हुआ हूँ। मैंने कहा था सबसे थोड़ा जल्दी कि ट्रैफिक शायद नहीं मिलेगा, बट ऐसा मुमकिन नहीं है। कलयुग में ऐसा मुमकिन नहीं है कि दिल्ली में कोई ट्रैफिक ना मिले। बहुत लोग को क्वेश्चन होते हैं कि यार एयरक्राफ्ट में पैराशूट्स होते हैं, पायलट्स पैराशूट लेके कूद सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता भाई एयरक्राफ्ट में, क्योंकि अगर आप पैराशूट लेके कूदेंगे द चांसेज ऑफ किलिंग योरसेल्फ आर मोर बिकॉज नोबडी इज ट्रेन्ड ऑफ हाउ टू जंप फ्रॉम अ पैराशूट फ्रॉम एन एयरक्राफ्ट। तो डिचिंग होती है बेसिकली, इन केस आपको पानी में लैंड करना पड़ जाए तो पानी में सर्वाइव कैसे करते हैं। एंड द मेन थिंग इज सर्वाइवल यार। तो अगर आप ढंग से सर्वाइव करेंगे सी में तो आप आराम से 10-15 दिन सर्वाइव कर जाएंगे जब तक आपके पास हेल्प आ गया। अगर 10-15 दिन में हेल्प नहीं आए तो फिर जयराम जी की भैया। कलयुग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम अगर मुझे पूछो तो है ट्रैफिक। बहुत लोग ऐसे होंगे जिनको लगता है कि यार एक बार पायलट बन गए तो जिंदगी मजे की है। जी हाँ, कुछ हद तक। लेकिन अगर आपको पढ़ाई लिखाई से दर्द है, दर्द मारती है, पेन देती है पढ़ाई लिखाई, तो फिर आप स्ट्रगल करेंगे। बिकॉज वंस यू बिकम पायलट यू हैव टू स्टडी थ्रू आउट। हर हफ्ते कुछ ना कुछ नया चेंजेस आता है मैनुअल में, एवरीथिंग न्यू, नोटिसेज न्यू, प्रोसीजर्स, सो यू हैव टू स्टडी। तो ये एक डाउन साइड है। सो गाइस, दिस इज अ फैसिलिटी जहाँ पे फायर डिचिंग ड्रिल होती है एंड दिस इज मिस्टर नितिन। हाय। और ही टेक्स केयर ऑफ दिस फैसिलिटी। और इन्होंने मुझे बताया कि बाहर की भी एयरलाइंस है, अफगानिस्तान की आती है, अफगानिस्तान और नेपाल की भी आती हैं। सो ऑल द एयरलाइंस कम हेयर टू ट्रेन। और दिस इज़ द मॉक सेटअप ऑफ द एयरक्राफ्ट एंड दिस इज़ द स्लाइड जहाँ से आप स्लाइड करके नीचे आते हैं। सो यू हैव टू प्रैक्टिस ऑल दिस एंड क्रू की स्पेशली प्रैक्टिस होती है यहाँ पे, सो दैट दे कैन असिस्ट द पैसेंजर्स व्हेन द इवैक्यूएशन इज हैपनिंग। दे कैन यूज़ दिस और जान बचा सके। दैट इज़ द होल पर्पज, दैट इन केस ऑफ इमरजेंसी वी सेव लाइव्स। साउथ ईस्ट एशिया। बट व्हाट इज़ दिस? दिस इज 321 नियो। नियो का है? सो ये 321 का है। अच्छा हाँ, 321 हैव सीट्स इन लाइक दिस ना बीच में। हाँ हाँ। आई डोंट नो वेयर एवरीबडी वेंट। मैं बस एक ग्लास पानी पीने के लिए गया और ग्लास में सब गायब यार। बाय द वे, दिस इज द कैबिन क्रू मैनुअल। दे हैव टू स्टडी सो मच, सो इट्स नॉट इजी। तो करना आपको अंदर पैसेंजर फंसा हुआ अंदर। कम ऑन, यस। Yes. Get out, jump. Rajina is gonna try next the door drill. So this door is 15 kilos, not very heavy for you. कर लोगे आप? Rajina warm up करते हुए। Rajina दंगल नहीं लगना आपने। Guys, आपने बहुत बार ट्रैवल किया होगा एयरक्राफ्ट में, इमरजेंसी एग्जिट बैठे हुए, so you see lot of crew gives you instructions कि आपातकालीन स्थिति में आपको ये करना है, ये करना है, ये करना है। मोस्टली आपको समझ में नहीं आता, बहुत कम लोग ध्यान दे होते हैं, बट इस वीडियो में आपको करके दिखाऊंगा, आपको समझ में आएगा। सो दिस इज योर इमरजेंसी एग्जिट। इन केस यू हैव एनी कमांड फ्रॉम द कैबिन क्रू और द कॉकपिट, इवैक्यूएट इवैक्यूएट इवैक्यूएट, आपने क्या करना है, ये हैंडल होता है, इसको निकाल के आगे वाली सीट पर रखना है। देन यू सी दिस पुल डाउन हैंडल, एक हाथ आपने रखना है यहाँ पे, इस हैंडल को करना पुल डाउन। सो दिस डोर विल कम आउट, इसको आपने निकाल के रखना है अपनी लैब पे। एंड देन व्हाइल गोइंग आउट इट इज one leg body and other leg, so one leg ये गए भाग, ये बॉडी और ये, और इस डोर को you have to throw towards the nose of the aircraft. So this is 15 किलोस का डोर, it is not very heavy actually. ये गए और हमारा ठाम एंड देन उसके बाद यहाँ से एक स्लाइड आ जाएगी, उस स्लाइड पे बैठ के टूवर्ड्स द नोज आप इवैक्यूएट कर सकते हो। ऑल द पैसेंजर्स विल इवैक्यूएट। और ये नहीं कि मैंने बता दिया तो आप बैठ के इसको ओपन करते रहे। इज ओनली ओपन इन केस ऑफ इमरजेंसी। अगर आपने वैसे कर दिया इट्स अ क्राइम। तो भी हम जा रहे हैं फायर ड्रिल करने। इन केस ऑफ इमरजेंसी कहीं आग वाग लग जाती है, मुझे कॉल करें, मुझे संपर्क करें, मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करें। और सर को भी आप मिल सकते हैं, ये कैप्टन सौरभ है, इनसे आप पहले मिल चुके हैं। सो वी आर डूइंग दिस टुगेदर एंड दिस इज कैप्टन सिंह। वी आर गोइंग इनसाइड द फायर फाइटिंग चेंबर व्हिच इज दिस। तो भी जो आपने देखा था वो द ड्रिल टू ओपन द एयरक्राफ्ट फ्रॉम द आउटसाइड। बहुत सिंपल होता है, बहुत डिफिकल्ट नहीं होता। What you came here to do, and I'm all alone, stuck in the middle, going on for sure. Hey, lose the rhythm with me, dance, take it chill, yeah, pick your pace. I'm just hanging with my friends. bhai log, the training is complete. और अभी 3:30 बज रहा है तो hopefully I'll not get traffic on the way back home. Training was fun. आपने देखा हमने क्या क्या. It was more like cabin crew की intense training होती है because they have to deal with all the emergencies in the cabin. कि हमें training कराते हैं कि in case the cabin crew incapacitated हो जाए या sick हो जाए या for some reason she is not able to perform her duties and we take over. So it was like being a cabin crew for one day. I was in their shoes and I see what they do. Hopefully किसी भी cabin crew को ये दिन ना देखना पड़े कि उनको ये सब ड्यूटीज करनी पड़े. बट अगर हाँ, we have to be prepared for everything. बहुत मजे भी आए करने के लिए. सामने वाले भाई साहब ने गजब इंजीनियरिंग लगाई है. मारुति में पहिए इसने किसी और गाड़ी की चिपका दी है. ये देखिए. घर पहुँच के भाई बहुत जोर से नींद आ रही है. मतलब ऐसा लग रहा है किसी ने अफीम या कुछ नशीला पदार्थ चटा दिया हो. कितनी जोर से नींद आ रही है भाई. ओए चिकलू, ओए ओए कितनी तेज आई है बातें यहां पे. सुसु चिकलू आजा ऊपर, आजा ऊपर, आजा 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 आजा. देखो 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 देखो. आजा ऊपर, आजा 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 आजा. हंसी देखो, स्माइल देखो चिकलू का. राज भाई फैन कहाँ पे फैन? चिकलू, चिकलू भाई चिकलू, ओ मेरा चिकलू, ओ मेरी जान, ओ मेरी जान.